देश में कोरोना का कहर जारी है। इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या का प्रतिशत 38 से ऊपर पहुंच गया है। देश भर से श्रमिकों को उनके गृहग्राम पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद श्रमिकों का पैदल सहित अन्य साधनों से अपने गृहग्राम लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसों से श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया। इसके बाद की स्थिति में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। आइए देखते हैं क्या है 1000 बसों का मामला। देश के विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश पहुँच रही हैं, लेकिन अन्य साधनों से भी लोग उत्तर प्रदेश पहुँच रहे हैं। पिछले दिनों औरैया में हुई दुर्घटना ने 24 श्रमिकों की जान ले ली थी। देश भर से श्रमिकों के पैदल चलकर जाने वाली तस्वीरों के बाद से राजनीति शुरू हो चुकी है। 2-3 दिन पूर्व से ही बड़ी संख्या में श्रमिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इकट्ठा हो गए थे। इन्हीं श्रमिकों को वापस लाने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बड़ा दांव खेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1000 बसों की अनुमति देने के लिए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल दी। इस खबर पर ट्विटर में जंग छिड़ी हुई है। इस बीच योगी ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी और पत्र लिखकर सभी 1000 बसों की चालकों और परिचालकों सहित सूची भेजने को कहा। इसके बाद तो जैसे ट्विटर पर कांग्रेस और भाजपा के समर्थक एक दूसरे के नेता पर ट्वीट के जरिए निशाना साधने लगे। प्रियंका वाड्रा ने जिन 1000 बसों की नंबर सहित सूची मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी थी, उनमें दुपहिया और तिपहिया सहित कुछ अन्य वाहन भी शामिल थे। इसके बाद निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा आ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि कांग्रेस ने राज्य सरकार को जो बसों की लिस्ट दी है, उसमें कई नंबर तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और कार के हैं। सीएम के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इस लिस्ट को भी जारी की है। इन नंबरों के अलावा कुछ और वाहन हैं जो बसें नहीं हैं। हमने इन नंबर को wahan.nic.in पर चेक करके देखा तो ये सभी नंबर बसों के नहीं थे। इन सब के बीच कांग्रेस के अनुसार सभी बसों को नोएडा और गाजियाबाद पहुंचने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस का कहना है कि 500 बसें राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आगरा के नज़दीक खड़ी हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि यह बसें गिनती में कितनी हैं इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही बाकी 500 बसें कहाँ हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। ये सभी बसें खाली हैं और राजस्थान रोडवेज की बसें हैं। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया है कि इन बसों में राजस्थान से उत्तर प्रदेश आने वाले श्रमिकों को लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। पूर्व मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में मजदूर पैदल चल रहे हैं, उन राज्यों को बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रियंका गांधी राजस्थान से बसें मंगवा रही हैं, लेकिन मजदूरों को बसों में नहीं ला रही हैं। महाराष्ट्र से पलायन हो रहा है। राज्य सरकारें ठोस कदम उठाएं। मजदूरों से बसों के कोई टोल वसूला नहीं जाएगा। उधर एक और तस्वीर सामने आई है, जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दोनों ही प्रदेशों के पुलिस आपस में भिड़ गए। अरे ये सीमा है, देखो गांव का रास्ता खुलो। इन चालान कर रहे थोड़ा के नहीं
मैं बता रहा हूँ और सुनो वीरेंद्र सिंह आपने बहुत जल्दी करी है, दरवाजे का हाथ तोड़ दिया आपने, आपने हाथ तोड़ दिया दरवाजे का, जबरदस्ती घुसना क्या मैं तुम्हारा क्या घुसना क्या, अभी तो तू आया था उसे निकालने, तब तो तू ये कह रहा था कि निकल जाने दो, अब तू यहाँ पे क्या करने आया तू, नहीं तू अभी तो क्या दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था कभी इसको जाने दो और ये करने दो, अब तू यहाँ क्या करने चला आया, चलिए अभी देख रहा हूँ, रुक जा इस मामले में। अब कांग्रेस 1000 बसों से 500 बसों पर उतर आई है, जबकि बसों की सूची में अन्य गाड़ियों के नाम पर कोई जवाब न देकर श्रमिकों को लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। भाजपा के नेता 1000 बसों के मामले में कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि इस लड़ाई में श्रमिकों को भुला दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।